नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, आप सभी को पता होगा, जब से सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया को छोड़कर गए हैं, तभी से ही एक बात तो साफ है कि सुशांत सिंह राजपूत के बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स रहे थे जो कि अभी तक नहीं मिल पाए हैं, और इसी वजह से सुशांत सिंह राजपूत के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को लेकर कई तरह की बातें चल रही हैं, जिनमें उनका मोबाइल फ़ोन, उनका लैपटॉप है और इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं। और तो और आपको बता दें, ये भी कहा जा रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद भी उनके फेसबुक अकाउंट को, उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को हैंडल किया जा रहा था। अब कौन इनको हैंडल कर रहा था और किस वजह से कर रहा था? क्या सुशांत सिंह राजपूत के सोशल मीडिया हैंडल से तमाम तरह के चैट्स को डिलीट किया गया है? यह भी बड़ा सवाल है, क्योंकि आपको बता दें, सीबीआई की टीम ने सुशांत सिंह राजपूत केस में सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत के सोशल मीडिया हैंडल को ही खंगालना शुरू किया। और जब सीबीआई की टीम को शक हुआ कि सुशांत सिंह राजपूत केस में सुशांत के सोशल मीडिया हैंडल से ऐसा लगता है कि छेड़छाड़ की गई है, तब सीबीआई ने अमेरिका की कुछ बड़ी कंपनियों से मदद मांगी और अमेरिका की बड़ी सोशल मीडिया हैंडल की कंपनियों से कहा कि तुम ही हमारी मदद करो ताकि सुशांत सिंह राजपूत का केस सुलझ पाए। और यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अमेरिका की कंपनियों ने सीबीआई की मदद भी की, और अभी तक सीबीआई ने ऐसा लगता है कि बहुत सारे सुशांत सिंह राजपूत के डिलीट चैट्स को भी रिकवर कर लिया होगा। अब आने वाले दिनों में सुशांत सिंह राजपूत केस में सुशांत के तमाम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की तलाशी होगी और सुशांत सिंह राजपूत के सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से सुशांत सिंह राजपूत का केस सुलझ पाएगा। आपको याद होगा कि किस तरह से कुछ महीने पहले महाराष्ट्र की मीठी नदी में कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिले थे, कुछ नंबर प्लेट्स मिले थे, जिनमें सुशांत सिंह राजपूत केस से भी उन तमाम चीजों को जोड़कर देखा जा रहा था और कहा जा रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत केस से भी इन तमाम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का संबंध हो सकता है। हालांकि अभी तक इस पर जांच जारी है और ये सब कुछ पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाया है। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।